दक्षिण सीओ मुकेश सोनी ने संभाला पदभार, यातायात और दक्षिण सीओ सांखला को दी विदाई। मंगलवार को दक्षिण उप अधीक्षक मुकेश सोनी ने पदभार संभाला और वहीं दूसरी तरफ यातायात और दक्षिण उप अधीक्षक विजय सांखला को विदाई दी गई। पदभार संभालने के बाद दक्षिण उप अधीक्षक मुकेश सोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों के बताए गए सभी कार्यों को अमल में लाया जाएगा और क्षेत्र अपराध मुक्त बने इस पर काम किया जाएगा। जहां जवानों पर दोहरी जिम्मेदारी है, वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अपराध पर भी लगाम लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पदभार ग्रहण कर रहे हैं आप, किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देख रहे हैं और क्या प्राथमिकताएं देखते हैं? अजमेर में चूंकि आज मैंने अभी ज्वाइन ही किया है, आज पुलिस विभाग की जो प्राथमिकताएं हैं जो इस वर्ष की जो उन्होंने घोषित की हैं माननीय डीजी साहब ने और राज्य सरकार की जो मंशा है उनको प्रवृत्त करने की, हमारा प्रयास रहेगा कि SP साहब के और आई साहब के निर्देशन में हम उनको पूरा कर पाएँ और अपराध मुक्त समाज की दिशा में हम और आगे बढ़ पाएँ। दक्षिण जो आपका क्षेत्र है उसमें कई छोटी कच्ची बस्तियां हैं और लोग जो हैं लगातार वारदातें करते हैं, तो इन वारदात किस तरह से आप अभी मैंने अपने क्षेत्र को देखा नहीं है, अभी एक दो दिन एरिया को देखना होगा और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करेंगे और इन सब चीज़ों को जड़ से मिटाने की कोशिश के लिए कोशिश भी करेंगे और इसके लिए और समग्र प्रयास भी करेंगे कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशासन की भी सहायता से इस क्राइम को कम किया जा सकता है। कारण कि किसी भी क्राइम का आधार केवल क्राइम ही नहीं होता, उसके पीछे कई सारे और दूसरे कारण भी होते हैं। पहुंचने की कोशिश करेंगे, जितना संभव हो पाएगा हम इन प्राथमिकताओं को लागू करने की कोशिश। कोरोना वायरस के बीच आपको साथ साथ में जवानों को मनोबल बढ़ाते हुए लड़ना है, किस तरह से आप? अब हमेशा व्यक्ति की परीक्षा तभी होती है जब आपदा काल आता है। आपदा के समय जो मैदान छोड़ दे तो फिर व्यक्ति की परीक्षा वो व्यर्थ हो जाता है, फेल हो जाता है। तो पुलिस के लिए ये बहुत ही चुनौती का तो समय है ही, लेकिन अपनी छवि को सुधारने के लिए भी अच्छा समय है और पुलिस निसंदेह अजमेर पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। हम अखबार में इसके बारे में पढ़ते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से इसको मैनेज भी किया है। भविष्य में भी इसी तरह की जो भी आपदा आती है या फिर कोरोना की आपदा भी है तो इस संबंध में पुलिस अच्छा कर रही है और अच्छा करती रहेगी।